रोनिता राइट? हाँ। रोनिता कैसी हो? कहाँ है तुम्हारा वो फिश वाला सीन कहाँ है? रोनिता हमारे लिए हर बार लास्ट टाइम फिश लेके आती थी, इतनी सी थी, बट क्या आज क्यों नहीं लाई? आज तो कुछ लाए नहीं, मगर एक नया रेसिपी सीख के आई हूँ। अच्छा। किस चीज की रेसिपी है? वेज रेसिपी, बादाम पनीर। माइंड ब्लोइंग। तो गाना पहले या खाना पहले? गाना पहले। गलत जवाब। नहीं नहीं नहीं, ऑलवेज खाना पहले। भोजन बिना भजन ना हुए, नो खाना नो गाना। हमको तो भूख लगी है। आपने लाया है यहाँ पे? नहीं, अरे यार, अच्छा अभी बनाना है आपको, घर जाके तो पहले गाना फिर बनाना, फिर बनाना फिर खाना फिर पचाना। ओके चलो ठीक है। आप क्या गा रही हो आप रोनिता आज? तू जहाँ जहाँ चलेगा। अरे सुपर। मेरा साया सी। मेरा साया सी। आपका साया सी है सर। मेरा सिया। तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वही पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू, तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा। तो रोनिता तुम्हारी उम्र क्या है अब? 9। 9? और जब पहले आई थी तब? 7 साल। 7 साल की थी। माय गॉड यार, फिर भी 9 साल की उम्र में इतना प्यारा गा रही हो। लता जी का गाना मदन मोहन जी ने कंपोज किया है, आई मीन इनक्रेडिबल। एक एक हरकतें इनकी इतनी साफ थी, राइट? बट ये यू नो, जब पहली बार आई थी तब बहुत पोटेंशियल लगा था। क्या अच्छा? बोला था आपको पिछली बार, क्या बोला था याद है आपको? जजेस ने क्या बोला था पिछली बार? और भी ज्यादा अच्छा करने को बोले थे आप। हाँ, और फिर तुमने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दूसरे जो बच्चे ना तुमको देख के सीखे। जब हमने तुमको ये बोला तो तुमको कैसा लगा था? मैंने सोचा था कि मैं और प्रिपरेशन लेके आऊंगी नेक्स्ट बार, फिर आपको गाना अधूरे लम्हे अधूरे सवाल अधूरे जवाब अधूरे वो ख्वाब भी अधूरा रह गया। थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही हो, टूटा सा पलक हाथ में रह गया। जाके मौसम सारे हमको सताते हैं,
बेजान है हमारे और ये रुलाते हैं हर पल अधूरा रह गया थोड़ा कर यादें सारी खो रही ओ टूटा सा पल एक हाथ में रह गया रोनिता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 9 साल की उम्र में कोई ऐसा कैसे गा सकता है, और ये क्रेडिट इंडियन आइडल जूनियर के मंच को जाता है कि आप जैसी टैलेंट को डिस्कवर किया जा रहा है, लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं। मुझे अगर आज मार्क्स देने होते हैं आप सबको, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसे ज्यादा दूं किसे कम। यू गाइस आर अनबिलीवेबल, दिल से कह रहा हूं, आप लोग कुदरत का करिश्मा हो एक एक, इट्स अनबिलीवेबल। शशि, मैं ये गाना पहली बार सुन रही हूँ, तो मैंने इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं सुना है, बट अब जो मैंने सुना वो अल्टीमेट वर्जन बन चुका है मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप खाते क्या हो बेटा, बता दो। क्या खाते हो बता दो, सीक्रेट क्या है बता दो। कुछ भी पसंद नहीं है। कुछ भी पसंद नहीं है। इसकी सीक्रेट बंगाल की सीक्रेट है, मिष्टी खाती है और आवाज में भी मिष्टी टपकती है, बहुत ही ज्यादा। इतनी स्वीट आवाज है आपकी, और मतलब मेरी आंखें आपसे हट ही नहीं रही थी। आप इतने क्यूट से छोटे से, मतलब घर लेके चली जाऊं मैं आपको। आपने बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेलकम। कई बार ऐसा होता है कि यू नो परफेक्ट गाना, परफेक्ट म्यूजिक, अकॉम्पनीमेंट, कोरस, सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन गाने में फीलिंग कभी कभार कमी हो जाती है। लेकिन जब वो गाने में फीलिंग भी आ जाती है तो फिर वो गाना कंप्लीट हो जाता है, और यही हुआ। हालांकि गाने का नाम अधूरा था, लेकिन मेरे लिए तो कंप्लीटली पूरा था। थैंक यू सर, इट वाज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। सोनाक्षी, इतना प्यारा गाया है, खाना भी बना लेती है, मिष्टी खा खा के इतनी अच्छी आवाज की है, तो इसके लिए डायलॉग तो बनता है। इसके लिए तो स्पेशल, इसके लिए ये डायलॉग विशाल बोलेंगे। कम ऑन देन, जैसे मैंने सिखाया था ना वैसे ही बोलना। हाँ जी साहब, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और जब ये 2.5 किलो की सिंगर गाती है तो आदमी सुनता नहीं, सुन हो जाता है। Super, wow. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.